तीन हफ्ते के लिए रोक दी गई 400 करोड़ी फिल्म RRR की शूटिंग, वजह दुखद। बाहुबली के निर्देशक एसआईएस राजामौली ने अपनी 400 करोड़ी फिल्म RRR की शूटिंग शुरू कर दी है। बीते दिनों ही राजामौली ने इस फिल्म की कास्ट को लेकर खुलासा किया था। फिल्म में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी के बेटे रामचरण तेजरा लीड रोल में हैं। लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी बुरी खबर सामने आ रही है, इसे सुनकर फैंस निराश हो सकते हैं। बाहुबली के निर्देशक एसआईएस राजामौली ने अपनी 400 करोड़ी फिल्म RRR की शूटिंग शुरू कर दी है। बीते दिनों ही राजामौली ने इस फिल्म की कास्ट को लेकर खुलासा किया था। फिल्म में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी के बेटे रामचरण तेजरा लीड रोल में हैं। लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी बुरी खबर सामने आ रही है, इसे सुनकर फैंस निराश हो सकते हैं। RRR के वेरिफाइड सोशल अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें लिखा गया है कि हमें जानकारी देते हुए दुख है कि रामचरण के पैर की एड़ी में एक छोटी चोट आई है। ये चोट जिम में वर्कआउट करते वक्त बीते दिन लगी, इसीलिए पुणे शेड्यूल को फिलहाल रोक दिया गया है। 3 हफ्ते बाद दोबारा एक्शन में लौटेंगे। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और अजय देवगन साउथ फिल्म में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में आलिया रामचरण के अपोजिट साइन किया है, जबकि फिल्म के एक अहम किरदार में अजय देवगन भी दिखाई देने वाले हैं।